सेकेंड सेक्शन है एल्बो स्ट्राइक। आपको अपना ये पार्ट मारना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है ये और इसका मूवमेंट भी बहुत छोटा है, तो इसलिए आपको फोर्स बहुत अप्लाई करना पड़ेगा, बट ये बहुत इंपैक्ट से लगता है अपोनेंट को। जब अपोनेंट आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो, उसने या तो पीछे से आपको ग्रिप कर रखा हो, या आगे से आपको ग्रिप कर रखा हो, या आपको बहुत क्लोज आपको मतलब ले रखा हो, तो आप उसको एल्बो स्ट्राइक ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बैक एल्बो स्ट्राइक करेंगे। बैक एल्बो स्ट्राइक हम तब मारते हैं जब अपोनेंट ने आपको पकड़ रखा हो पीछे से, तो आपके पास जो फ्री साइड है वहां से आप अपने अपोनेंट को एल्बो से पूरी ताकत से, ठीक है ना, उसके रिब्स में, उसके एब्डोमेन में या लोअर ग्रोइन में अपना एल्बो स्ट्राइक मार सकते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अपने आपको एक साइड में। देखिए, इस चीज को हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है सामने और पूरा फोर्स से पीछे तक लेके आना है। फिस्ट इसी तरीके से रहेगी, ऐसे नहीं हो जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, फिंगर्स टूवर्ड्स योर बॉडी रहेंगी और आपका हाथ जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा दूर जाएगा इसमें उतना आपका जो इंपैक्ट है और लो हो जाएगा। स्ट्रेट खींचना है, वन, पीछे खींचना है, टू, थ्री, फोर, फाइव। कई बार आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप जो है जो इंपैक्ट मार रहे हैं अपोनेंट को, जो फोर्स डिलीवर कर रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है। यू कैन यूज योर सेकेंड हैंड एज अ हेल्प। तो जब आप हाथ खींच रहे हैं, दूसरे हाथ को यहां रखें इस तरीके से, एंड नाउ यूज बोथ हैंड्स टू डिलीवर द फोर्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इसी चीज की दूसरी साइड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सामने से प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, दोनों हाथ अल्टरनेट, फर्स्ट राइट हैंड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये एल्बो स्ट्राइक मैंने आपको बता दिए कब मारते हैं। अपोनेंट आपको पीछे से पकड़ रहा है या पीछे की तरफ है, आप उसको पीछे की तरफ एल्बो स्ट्राइक मार सकते हैं। तो आप अपने जो पार्टनर है उसको पैड पीछे की तरफ पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। इसमें आपको छोटा पैड पकड़ना है एंड अपोनेंट आपके पीछे इस तरीके से आपका पार्टनर खड़ा हो जाएगा और आपके बिल्कुल बैक साइड पे, आपके एल्बो के बिल्कुल बैक साइड पे इसको रखना है, क्लोज और क्लोज, ठीक है। यहां से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सो दिस इज बैक एल्बो स्ट्राइक। नाउ वी विल लर्न फ्रंट एल्बो स्ट्राइक। फ्रंट एल्बो स्ट्राइक मारते हैं, अपोनेंट आपके सामने खड़ा है इतना क्लोज और आपको उसकी चिन के नीचे एल्बो स्ट्राइक मारनी है, ये चीज। तो ये अपवर्ड एल्बो स्ट्राइक है, आपको ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ मारनी है। अब इसमें आपका फिस्ट जो है क्लोज रहेगा पहले से एंड आपके एल्बो को आपको ऊपर की तरफ उठाना है, लाइक दिस। सी, मेरा फिस्ट जो है मेरे बॉडी को, फिंगर्स फेस कर रहे हैं, फिस्ट क्लोजर टू माय शोल्डर एंड मेरे को मेरा एल्बो जो है ऊपर उठाना है, लाइक दिस, वन, टू। इसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने हाथ को यहां रखिए, वन, एंड अपने हाथ पे ही हिट करिए, वन, टू, थ्री। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फेस दिस साइड, राइट लेग आगे, लेफ्ट हैंड से मारेंगे, लाइक दिस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चेंज साइड, सामने से देखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड पीछे, और जिस हाथ से मार रहे हैं सेम लेग पीछे रखने की कोशिश करें ताकि आपका जो बैलेंस है वो अच्छा रहेगा अटैक के दौरान। बिसाइड, जब आप एक्चुअल अटैक करेंगे तो आपका बिल्कुल स्टांस कुछ आपको ज्यादा पता होगा नहीं कि आप कौन सा पैर पीछे कौन सा हाथ है, सो उसमें डिलीवरी में थोड़ा सा जो है वेरिएशन आ जाता है। एग्जैक्टली जो भी पैर आपका पीछे है उस हाथ से अगर आप मिडिल पंच या सेम हैंड स्ट्राइक मारते हैं तो आपका फोर्स ज्यादा लगता है, और अगर सेम हैंड आगे है तो थोड़ा सा कम लगेगा। ये एक साइंस की चीज है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए
राइट हैंड से अटैक करेंगे, राइट लेग पीछे ले, लेफ्ट हैंड ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5. अब इस चीज को वापस हम लोग पैड पे प्रैक्टिस करेंगे लाइक दिस. सेम आप अपने पार्टनर को साइड में खड़े होने को बोले, स्ट्रेट सामने की तरफ पैड रखने के लिए, स्ट्रेट. सो अपोनेंट जो है आपका, जिसको आप स्ट्राइक कर रहे हो, उसकी चिन आपके बिल्कुल सामने है और इतना क्लोज है कि आप उसको अपना एल्बो मार सकते हो. तो दूसरा हाथ ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5. इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम किस तरीके से करना है इसको. अपोनेंट आपको सामने से पकड़ रहा है, ग्रिपिंग कर रहा है, सामने खींच के लेके आ रहा है, कुछ मारने की कोशिश कर रहा है या जस्ट इस तरीके से कर रहा है, तो ये एक अकेला अटैक नहीं है, क्योंकि हम अभी पूरे 16 स्टेप्स जो सीखेंगे उसमें ये पार्ट होगा. तो आप पकड़े मेरे को, आपको ये छुड़वाना है एंड ये एल्बो आगे अटैक मारना है. वापस, 1 and 2. तो ये एप्लीकेशन हम लोग बाद में सीखेंगे, फर्स्ट हम सिर्फ स्ट्राइक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. थर्ड इज साइड एल्बो स्ट्राइक. ये इसमें जो फिंगर्स हैं वो डाउनवर्ड स्पेस रहेंगी, आपको अपना हाथ अपोजिट साइड खींचना है और अपने शोल्डर के साइड में ले जाके स्ट्राइक करना है. 1, 2. चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले राइट हैंड से दोनों पैर आपस में, शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा वाइड, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Change side, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Now, इसमें भी सेम स्ट्राइक फोर्स को ग्रो करने के लिए आप दूसरे हाथ का यूज ले सकते हैं. अपना हाथ जिसे आप स्ट्राइक कर रहे हैं ऐसे रखें, दूसरे हाथ का फोर्स साथ में हेल्प यूज करें. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. इसके लिए स्ट्राइक सेम, छोटा पैड अपने पार्टनर को अपने साइड में पकड़ने के लिए बोले, इधर पीछे से. तो आपका अपोनेंट बहुत पास में है साइड से, आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5. एप्लीकेशंस के लिए मैं पूरा एक वीडियो अलग से बना दूंगा. फर्स्ट हम लोग स्ट्राइक्स ही सीख रहे हैं, एक एक स्ट्राइक को अलग सीख लेंगे, देन इसका पूरा एप्लीकेशन का वीडियो आई विल सेंड इन द नेक्स्ट वीडियो.